हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मधु यश डेली फूड ब्लॉग आपका स्वागत करती हूँ, मतलब कि मधु मिश्रा आपका मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊँगी कुद्रुम का भुजिया, और कुद्रुम का भुजिया बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि आप रेस्टोरेंट में खाए होंगे या शादी ब्याह में खाए होंगे भुजिया, या घर में कोई मेहमान आ जाए तब आप खाए होंगे, या बना सकते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए ना तो आप सब्जी के साथ आप कुद्रुम को भुजिए बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने काट के रख लिया है और प्याज भी काट लिया है, आप चाहे तो लहसुन वगैरह सब कुछ काट के रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कुद्रुम का भुजिए दाल चावल के साथ, रोटी सब्जी जैसे रोटी के साथ, इस तरीके का बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। तो यहाँ मैंने तेल गर्म हो गया है और थोड़ा सा मिर्ची, लाल मिर्ची और हरी मिर्च दोनों डाल दिए, जीरा डाल दिया है। और जैसे कि आप रेस्टोरेंट स्टाइल में इसको बना सकते हैं, या घर में मेहमान आए उस टाइम बना सकते हैं, या गांव गांव में जैसे आप जैसे गांव में गांव के तरीके से जैसे बनता है, गांव देहात के तरीके से जैसे कुद्रुम का भुजिया बनता है उस तरीके से बना सकते हैं। और बहुत सारे तरीके हैं कुद्रुम का भुजिया बनाने का, आप सब्जी बना सकते हैं। तो कितने लोग कच्चा भी खाते हैं इस कुद्रुम को। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी तेल को, जीरा को, मिर्ची को, सबको फ्राई कर लूँगी। और मैंने जैसे कि आप हरी सब्जियाँ कुछ कोई भी हो तो हरी सब्जी जैसे भुजिया वगैरह बनाते हो ना तो जल्दी ज़्यादा गल जाता है। तो क्या थोड़ा सा कोई भी हरी सब्जी को ज़्यादा ही काटना चाहिए, ज़्यादा ही बनाना चाहिए, ताकि जो भुजिया है ना जैसे परवल का भुजिया या कुद्रुम का भुजिया ये सारा गल जाता है, हरी सब्जी गल जाता है बनाते टाइम। यहाँ पे मैंने प्याज और इसको सबको भून लूँगी। तो प्याज ज़्यादा मेरे को जलाना नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन करके उसी टाइम में कुद्रुम को डाल दूँगी, नहीं तो प्याज जल जाएगा। यहाँ कुद्रुम काट के गोल शेप में और थोड़ा लंबाई में मैंने काट लिया था। और इसके बाद फिर थोड़ा सा मैं प्याज को भून के और इसको डाल दूँगी। प्याज की कट एक ही साथ भूनना है, अलग अलग नहीं भूनना है। और मेरी रेसिपी कैसी लगती ज़रूर बताइएगा। और जो मेरा जो पुराना कढ़ाई है जिसमें मैं भुजिया वगैरह बनाती हूँ, तो मेरा जो न्यू कढ़ाई है ना वो स्टील का है, तो उसमें ज़्यादा सब्ज़ी बनाना होता है तभी मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ये पुराना कढ़ाई है इसमें थोड़ा सा भुजिया बनाना होता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा मेरा कढ़ाई अलग दिखता है ये वाला, तो आप लोग माइंड मत करिएगा। और यहाँ पे है कि मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, सॉरी डाल दिया है मैंने कुद्रुम को, और सब्जी कढ़ाई पूरा भर चुका है, लेकिन बाद में ये सब्ज़ी बिल्कुल कम हो जाएगी क्योंकि हरी सब्ज़ी में पानी होता है, पानी जब सूखता है तो बिल्कुल सब्ज़ी कम हो जाता है। और कुद्रुम को आप गोल शेप में या लंबाई शेप में जैसे भी आपको काटना है उस तरीके से काट सकते हो, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। रोटी पराठा या चावल दाल किसी के साथ खा सकते हैं, जैसे गांव में बनता है, गांव देहात में लोग बनाते हैं, या कोई घर में आ जाए तो बनता है, या किसी भी तरीके में सीजन में जो भी सब्जी आता है ना उसको खाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं भून रही हूँ तो थोड़ा सा हल्का कलर चेंज होने लगा है, और जब हल्का से ढक के पकाना है इसको। अभी हल्दी नमक कुछ नहीं डालना है, पहले इसको ऐसे ही भूनना है, जो इसका पानी है वो सोख लेगा। तो इसको अभी ऐसे ही भूनते रहना है, थोड़ा सा ढक ढक के पकाते रहना। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दी हूँ मसाला। अब मसाला मैंने क्या डाला है, जो मैं मिक्स मसाला करके रखी हूँ वही है, और थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दिया है मैंने। अब इसको बिल्कुल धीमे फ्लेम पे आज इसको ढक के इसको पकाना है, और बिल्कुल ढक ढक के ही पकाना है। आज आप 10 मिनट 5 मिनट भी छोड़ सकते हो तो ये जलेगा नहीं, बिल्कुल कम आँच पे इसको ढक के पका लेना। और आप देखोगे कि थोड़ी देर में धीरे धीरे ये जो इसका मतलब कि पकना स्टार्ट हो जाएगा, और जो मसाला है वो भी अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कुद्रुम को बना सकते हैं, और मैं अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आने वाली हूँ, और भी अच्छे अच्छे तरीके मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसे कि कोई भी जानकारी देना हो जैसे सब्जियों से रिलेटेड, या कुछ भी जैसे कि कोई जैसे डायबिटीज़ हो गया, या जैसे कि और भी कुछ जैसे कि घर की जो जानकारियाँ हैं टिप्स के बारे में, किचन रिलेटेड टिप्स के बारे में जो भी जानकारी है वो भी मैं सारे कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे। और मैं अच्छे अच्छे वीडियो रेसिपी के बारे में या किचन टिप्स के बारे में ये लेके आऊँगी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक से ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मेरा भुजिया देखिए बिल्कुल गल चुका है, और बस ये 10-5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह कुद्रुम का भुजिया बना सकते हो। मैं काफ़ी टाइम से 2-4 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी,
मैंने तीज का एक ब्लॉग का वीडियो डाला है, आप लोग उसको देखिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए मेरे चैनल को क्योंकि मोनेटाइज जल्दी हो जाए। और यहाँ पे मैं अच्छे से भून लूँगी। अब बस ये कुद्रुम का भुजिया बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग किस तरीके से कुद्रुम का भुजिया बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। आप जैसे हलवाई बनाते हैं उस तरीके से, या कोई शादी ब्याह में ऐसे तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो आज का कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करिए। तो आज का भुजिया मेरा कैसा लगा ये भी